हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं हूं अभिषेक झा और हम आज करने वाले हैं कॉमर्स का रिवीजन। सर, कौन सा कॉमर्स? क्लास 11 आईएससी बोर्ड का जो कॉमर्स सब्जेक्ट रहता है, आज हम करने वाले हैं उसके एक चैप्टर का रिवीजन। WTO, जिस चैप्टर का नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका आज हम लोग रिविजन करने वाले हैं। अगर आपने हमने बहुत सारे रिविजन्स लिए हैं ऑलरेडी, हमने बहुत सारे कॉमर्स के रिविजन्स ऑलरेडी ले चुके हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो। बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कवर करवा दिया हूँ, बहुत सारे चैप्टर को डिटेल्ड रिविजन करवा दिया हूँ, जिसे तुम्हारा जिसको देख के तुम्हारा नैया पार होने वाला है। जल्दी से देख लो क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। चलिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल होनी चाहिए, तभी जाके मैं सारे के सारे चैप्टर्स को कवर कर पाऊंगा रिवीजन। मेरे को भी तो मोटिवेशन चाहिए। मेरे को मोटिवेशन करेगा कौन, मेरे को मोटिवेट करेगा कौन? तुम। तो स्टे ट्यून्ड और पढ़ाई लिखाई चलती रहनी चाहिए। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा बच्चों, ये बताओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से तुम क्या समझते हो? हम लोग चैप्टर तो स्टार्ट कर दे रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से तुम क्या समझते हो? देखो, पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? जनवरी 1, 1995। ये आ सकता है तुम्हारा एमसीक्यू में बेटे। इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा तुमको एमसीक्यू पूछेंगे। वर्ल्ड मतलब WTO has 146 member nations, मतलब कि 146 members हैं WTO के, World Trade Organization की 146 member हैं और इंडिया उनमें से एक है, उनमें से एक founder member है। इंडिया उनमें से क्या है? Founder member है। और ये GATT के बाद आया था, ये GATT GATT के बाद आया था, WTO GATT के बाद आया था। तो ये of course आपका क्या आएगा, ये of course आपका क्या आएगा, ये WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसका सक्सेसर है? GATT का सक्सेसर है बेटा, GATT का सक्सेसर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लोग। और WTO कहां से लोकेटेड है? WTO कहां लोकेटेड है? WTO जेनेवा में लोकेटेड है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत पूछ सकता है, इसीलिए मैं ध्यान से करवा रहा हूं। देखिए, इट मीट्स ऑलमोस्ट एवरी 3 इयर्स, हर 3-3 साल में हर कंट्री मिलते हैं। हर कंट्री आपस में कितने सालों बाद मिलते हैं? 3-3 सालों बाद मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO पढ़ते हैं। आप बोल रहे होंगे कि सर, WTO तो कर चुके हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस कर चुके हैं, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होता क्या है, क्या काम करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस? देखिए क्या काम करती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के क्या गोल रहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, द WTO सीक्स टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करने के बारे में, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बारे में सोचते हैं WTO? क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स को बेटे? देखिए यहाँ पे देखिए, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। WTO बोलता है कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे छत्र छाया में जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, उनके कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा हाई रहे, हमेशा राइज करता रहे, हमेशा बरकरार रहे, हमेशा बढ़ता रहे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे गरीबी रेखा से हम लोग उभर कर आ सके और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज करता रहे, ठीक है। उसके बाद जो कंट्री हमारी मेंबर्स है उन कंट्रीज में फुल एम्प्लॉयमेंट हो, जो कंट्री हमारी मेंबर्स है उन कंट्री में प्रोडक्शन का कोई कमी नहीं रहे, प्रोडक्शन का एकदम भूमार आ जाए, भूचार आ जाए, ठीक है। तो प्रोडक्शन करते ही रहे। उसके बाद टू एक्सपांड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, जो कंट्री हमारी मेंबर है, WTO ये एम करता है कि जो कंट्री हमारे मेंबर है उन कंट्री का ट्रेड भी गुड्स एंड सर्विसेस, मतलब वो लोग अच्छे ट्रेड कर पाए, वो लोग इंपोर्ट ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, नेशनल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड हर कुछ कर पाए, वो लोग अपने रिसोर्सेस का बहुत अच्छा से यूज करें और वर्ल्ड के साथ यूज करें अपने रिसोर्सेस का, वर्ल्ड को भी बांटे अपने भी खाएं, ठीक है, वर्ल्ड के साथ यूज करें।
उसके बाद टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट तो करे लेकिन ये ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करें कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो हम लोग बहुत लिमिटेड यूज करें, जितना रिसोर्सेस हमारा नीड है उतना रिसोर्सेस हम लोग यूज कर रहे हैं, बाकी के रिसोर्सेस फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हैं, हम लोग बचा के रख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं डब्ल्यूटीओ के। बेटा क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है बाबू, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, पढ़ो। टू रेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, ये एक ऑब्जेक्टिव है। जो भी इनके मेंबर है उनको, जो भी उनके मेंबर नेशंस है, जो भी उनके मेंबर कंट्रीज है, उस कंट्रीज में फुल एम्प्लॉयमेंट रहनी चाहिए, ठीक है। टू एक्सपांड प्रोडक्शन है, उस कंट्रीज में जो भी इनके मेंबर्स है उस कंट्रीज में प्रोडक्शन का एकदम भरपूर होना चाहिए, भरपूर प्रोडक्शन होना चाहिए। टू एक्सपांड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, वहां पे ट्रेड भी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। उसके बाद ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, जितने भी पूरा दुनिया का रिसोर्सेज जो है उसका ऑप्टिमम यूज कर पाए हर कंट्री उसका ऑप्टिमम यूज कर पाए, पूरे दुनिया का रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर पाए, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस, काम क्या है, ये तो ऑब्जेक्टिव पर लिए, गोल क्या है, लेकिन अब काम क्या है, काम क्या करता है। सबसे पहले तो देखिए बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द मल्टीलैटरल एंड प्लूरीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, मल्टीलैटरल एंड प्लूरीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब एडमिनिस्ट्रेट करता है, इंप्लीमेंट करता है क्या, मल्टीलैटरल ट्रेड, सब ट्रेड को मिला के मल्टीलैटरल एंड प्लूरीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेट करता है और इम्प्लीमेंट करता है, मतलब कि जितने भी सारे ट्रेड हो रहे हैं, उसको क्या करते हैं, उसको एडमिनिस्टर करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रोवाइडिंग ए फोरम फॉर मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस अमंग द मेंबर्स, उस अपना ऑब्वियसली मल्टीलैटरल ट्रेड करने के लिए एक फोरम बिठाते हैं, अपने मेंबर्स को आपस में, अपने मेंबर्स का आपस में संगठन बनाते हैं कि हम लोग आपस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना भी तो WTO का ही काम है ना, कैसे ट्रेड करें आपस के कंट्रीज में, हम लोग कैसे ट्रेड करें, जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग मिल बांट के काम करने के बारे में सोचते हैं, इसीलिए प्रोवाइडिंग ए फोरम, फोरम भी बनाते हैं अपने मेंबर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटेटिंग सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर्स, अगर किसी का साथ झगड़ा हो गया, अगर मान लो कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ, कोई एक स्पेसिफिक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ झगड़ा कर ली है ट्रेड रिलेटेड, या तो कुछ झमेला हो रहा है एक ट्रेड करने में, एक इम्पोर्टेंट ट्रेड करने में, एक इम्पोर्टेंट सेलिंग एंड बाइंग करने में उन लोगों का कुछ झमेला हो रहा है, तो वो झमेला को सुलझाता है कौन, WTO भाई, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये झमेला को सुलझाता है। मान लो कि किसी को प्राइस पसंद नहीं आ रहा है या कोई अलग ही डिस्प्यूट्स है ट्रेड को लेकर, ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, कोई बाई करता रहता है और कोई सेलिंग करता रहता है, सिंपल बात है ना। ओवरसीइंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, नेशनल ट्रेड पॉलिसीज को क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। कोऑपरेटिंग विथ अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग, मतलब कि दूसरे दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ग्लोबल पॉलिसी को बना रहे हैं, जो कि ग्लोबली काम कर रही है पॉलिसी बनाने में, उनके साथ क्या करते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करते हैं बेटा, ठीक है। चलो अच्छा, अपने इंडिया को इससे क्या बेनिफिट हुआ सर, बेनिफिट्स ऑफ WTO टू इंडिया, मतलब अपने इंडिया, हमें तो बस अपने देश से मतलब है सर, अपने इंडिया को इससे क्या बेनिफिट हुआ सर बताइए। सबसे पहले तो देखो, बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स, WTO के वजह से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वजह से हमें हिम्मत आई कि हम लोग भी अपने प्रोडक्ट्स को बना के, बाहर बेच सकते हैं आसानी से, हम लोग भी अपने प्रोडक्ट्स को बना के, गुड्स को बना के बाहर हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ इंपोर्ट पे निर्भर नहीं रहना है हम लोगों को, इंपोर्ट पे सिर्फ हमें निर्भर नहीं रहना है, हम क्या कर सकते हैं, अपने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने अपने जो गुड्स हैं उसको क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं बाहर में, एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर में आसानी से, ठीक है। चलिए, सिक्योरिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। तो भाई देखो, द रिवैम्प्ड डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीड्यूर्स एंड एग्रीमेंट ऑफ सेफ गार्ड सब्साइडेड एंड एंटी डंपिंग मेजर्स विल प्रोवाइड ग्रेटर सिक्योरिटी एंड पीरियोडिकली इन
मतलब ये प्रेडिक्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड, WTO rules provide greater protection against bilateral pressures और restrictive trade practices. जो सब ट्रेड restrictive हैं, जो सब ट्रेड को restrict कर दिया गया है, वो सब WTO उसके उस सब ट्रेड के लिए प्रोटेक्ट करता है, उस सब ट्रेड के लिए प्रोटेक्ट करता है, उस सब ट्रेड के लिए प्रोटेक्ट करता है. आर्बिट्रेट चार्जेस इन द लॉ गवर्निंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी मेड अंडर WTO रिजाइन. तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस WTO को फॉलो करना पड़ता है, और फॉलो करके ही ट्रेड करने देता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. पॉलिसी असिस्टेंस. अरे कोई नया पॉलिसी आया, उस पॉलिसी को बनाने में कौन हेल्प करेगा? WTO हेल्प करेगा. एज ए मेंबर ऑफ WTO, इंडिया कैन गेट असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर्स इन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्सपोर्ट प्रमोशनल प्रोग्राम्स. भाई एक्सपोर्ट को प्रमोशन करना है हम लोग को, एक्सपोर्ट को हम लोग को प्रमोट करना है बाहर बाहर देश में, हम लोग को अपना सामान बेचना है, हम लोग को कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च करना है, कुछ पॉलिसी बनाना है, वो सब काम में कौन हेल्प करेगा? WTO हेल्प करेगा. कौन हेल्प करेगा? WTO हेल्प करेगा. उसके बाद देखिए ट्रेड लिंक्स. ट्रेड लिंक्स कौन प्रोवाइड करता है? ट्रेड लिंक्स, अरे खरीदी बेची का लिंक कौन प्रोवाइड करता है दूसरे कंट्री के साथ? WTO प्रोवाइड करता है. भाई तुम 3-3 साल में मिल रहे हो, तुम एक मेंबर फाउंडर नेशंस हो, जाके तुम इतने सारे कंट्रीज से मिल रहे हो, तो ट्रेड लिंक कौन ऑफ कोर्स प्रोवाइड करेगा? कौन? WTO प्रोवाइड करेगा. सर इंडिया को क्या एडवांटेज मिलता है? ट्रेड लिंक्स विथ अदर मेंबर कंट्रीज. मतलब ट्रेड लिंक मतलब क्या? अगर हम लोग इम्पोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कंट्री का जान पहचान चाहिए, तो वो जान पहचान कौन प्रोवाइड करेगा? WTO प्रोवाइड करेगा. और अगर हम लोग कुछ बेचना चाहते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी दूसरे कंट्रीज के साथ जान पहचान चाहिए ना बेटा. ठीक है, द एग्रीमेंट्स आर लीगली बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स कंट्री. ठीक है, चलिए आगे. स्पेशल कंसेशन. स्पेशल कंसेशन क्या है? देयर आर सेवरल कंसेशन एंड एग्जेम्पशंस फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली At least developing countries. किसके लिए कंसेशन अवेलेबल है? किसके लिए कंसेशन अवेलेबल करता है WTO? जो लोग डेवलपिंग कंट्री है, जो लोग डेवलप अभी हो रहे हैं, डेवलप पूरी तरह से हुए नहीं है. इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और लेस डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री को तो बहुत ज्यादा ही कंसेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा गरीब है ना. देयर आर प्रोविजन एक्सटेंडिंग स्पेशल एंड different treatment to such countries. WTO has helped in promotion of trade and services. जो लोग बहुत, जो countries बहुत पिछड़े हुए हैं, जो countries बहुत पिछड़े हुए हैं या जो country develop हो रही है, उनको WTO बहुत ज़्यादा help करता है promote होने में, उनके trade को promote करने में. trade को promote करने में मतलब import करना चाहते हैं तो import करो, export करना चाहते हो तो export करो. ठीक है, देखो प्रमोशन ऑफ कंपटीशन कौन करवाता है? प्रमोशन ऑफ कंपटीशन WTO करवाता है. देखिए क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आर टू बी रिमूव्ड अंडर द डिजाइन ऑफ WTO. क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस मतलब बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट में लगातार इतने इतने लिस्ट ऑफ बैरियर्स हैं, एक्सपोर्ट में लगातार इतने इतने लिस्ट ऑफ बैरियर्स हैं, वो सब सारे चीज को कौन रिमूव करता है? WTO रिमूव करता है. इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आर अलाउड व्हेन ए कंट्री फेसेस बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज. बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज मतलब जब कंट्री नुकसान में रहता है ना, जब एक पर्टिकुलर कंट्री नुकसान में रहता है, तब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस करवाता है. जैसे कि हमारे कंट्री अगर मान लो नुकसान में है, नुकसान में चल रही है अभी, तो मोदी जी क्या बोलेंगे? मित्रों इंपोर्ट बंद, मतलब दूसरे कंट्री से तुम मंगवा नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो बहुत ज्यादा खर्चे हो जाते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्सपोर्ट कर सकते हो जिससे कंट्री को कुछ मुनाफा मिले, ऑफ कोर्स. टेक्निकल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, रीजनल सेमिनार्स एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आर हेल्ड रेगुलरली. ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उनके लिए, किसके लिए? कंट्रीज के लिए, किस तरह से डेवलप्ड हो पाए कंट्री. ट्रेनिंग प्रोग्राम, रीजनल सेमिनार्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस रेगुलरली होता है WTO के द्वारा. अबाउट 100 टेक्निकल कोऑपरेशन मिशंस आर ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर. मतलब 100 टेक्निकल मिशंस हर साल ऑर्गेनाइज करवाता है. कौन करवाता है बेटा? WTO करवाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस करवाता है. इसमें क्या होता है सर? इसमें क्या होता है? इन दिस सेशंस डेवलपिंग कंट्रीज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न द टेक्निकलिटीज. डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री का उतना रिक्वायरमेंट है नहीं, जो लोग डेवलपिंग है उनको ही तो रिक्वायरमेंट रहेगी.
तो डेवलपिंग कंट्री को क्या मिलता है इसमें? अपॉर्चुनिटी मिलता है कुछ लर्न करने का, कुछ सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, कुछ सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलता है. रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग वर्ल्ड ट्रेड, मतलब जितने भी पूरा दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड में रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको भी सीखने को मदद मिलता है. ठीक है, आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन कौन सिखाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बता दूं कि डेवलपमेंट तो करो, कंट्रीज मतलब WTO अपने कंट्रीज को बोलते हैं, कंट्रीज मेंबर्स तुम डेवलपमेंट तो करो, लेकिन ऐसा टाइप का डेवलपमेंट करो कि रिसोर्सेज जो तुम यूज कर रहे हो ना डेवलप करने में, अपने कंट्री को डेवलप करने में जो तुम रिसोर्सेस यूज कर रहे हो उसका तुम लिमिटेड यूज करो, जिससे फ्यूचर जनरेशन भी उसको अच्छे से यूज कर पाए, जिससे फ्यूचर जनरेशंस भी उसको यूज कर पाए. जितना हद तक तुम कम से कम यूज कर रहे हो उतना हद तक कम से कम फ्यूचर जनरेशंस भी कर पाए, तभी जाके कुछ फायदा होगा सर. तो ये सब करने में कौन हेल्प करता है? WTO करने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवाता है. पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म. Members of WTO have to undergo a periodic review of their policy and programs. मतलब WTO बना के सिर्फ छोड़ नहीं दिया गया. WTO क्या करता है कि बीच बीच में अपने programs and policies को check करता रहता है, बीच बीच में अपने programs और policies को review करता रहता है, evaluate करता रहता है कि हाँ हमने सही program and सही policies तो बनाया है, कुछ default तो नहीं है, कुछ बदलाव की क्या जरूरत है, ये सब check करते रहते हैं. ठीक है, और दिस इज डन विद अ व्यू टू प्रमोटिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड सिग्निफिकेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉलिसीज. मतलब कि क्या जरूरत है इस पॉलिसी का, नीड क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, ये सब समझने के लिए, WTO ये सब बार बार चेक करता रहता है अपना पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स को. ठीक है, विच वुड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, जो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का को ट्रांसपेरेंट बना देगा और हर कुछ साफ सुथरे से होगा, हर कुछ ठीक ठाक से होगा. ठीक है, चलिए अब डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं. बहुत कर ली जस्ट सर, अब बेइज्जती करेंगे. चलिए, डिसएडवांटेज ऑफ WTO टू इंडिया, मतलब इंडिया में आके क्या क्या चीज ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी. सिंपल, क्रिटिक्स गिव फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इंडिया. तो सबसे पहले तो देखो, नो एक्सपोर्ट पोस्ट, जो हम लोग ने बोला था ना एडवांटेज में बोला था ना कि एक्सपोर्ट करने में मदद करता है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में मदद करता है, लेकिन ये एक मिथ है, इंडियाज एक्सपोर्ट मे नॉट इंक्रीज कंसिडरेबली. फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंड्स मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. अरे भाई, तुमसे गुड्स कौन खरीदेगा जब तुम्हारा कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं रहेगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ही सही नहीं रहेगा, क्वालिटी ही सही नहीं रहेगा, टेक्नोलॉजी ही सही नहीं रहेगा, तो ये सब तो ट्रेड बैरियर्स बन ही जाएंगे. WTO क्या कर देगा, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर देगा, लेकिन खरीदना ना खरीदना तो दूसरे कंट्रीज पे भी अवेलेबल है, दूसरे कंट्रीज पे भी तो ये निर्भर करता है कि तुम्हारे कंट्री से सामान भी खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे. अरे भाई, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखेंगे, तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसा है, तुम्हारा टैरिफ्स कैसा लिया जाता है, गवर्नमेंट क्या बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज कर रही है, क्वालिटी देखेगी, टेक्नोलॉजी देखेगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे ना, उसके बाद एक्सपोर्ट डिसाइड करेंगे ना. तो रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स इज नो गारंटी फॉर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. ठीक है, चलिए आगे, प्रोमिनेंस ऑफ डेवलप्ड नेशन. प्रोमिनेंस ऑफ डेवलप्ड नेशन, WTO फोकस मोर ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. भाई, डेवलप्ड कंट्री पे ज्यादा फोकस करती है. डेवलप्ड कंट्री पे कौन फोकस करती है ज्यादा? WTO फोकस करती है. डेवलप्ड कंट्री पे कौन फोकस करती है ज्यादा? WTO फोकस करती है. ट्रिम्स अंडरमाइंस स्ट्रेटजी ऑफ सेल्फ रिलायंट ग्रोथ बेस्ड ऑन लोकल सर्विस एंड टेक्नोलॉजीज. ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस इज स्टिल मूविंग प्राइमरली टुवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्रीज. मतलब जितने भी जो फाइनेंसिंग वाला चीज होता है, जितने भी जो ग्लोबल फाइनेंस वाला चीज होता है, अरे भाई, WTO का फायदा भी तो डेवलप्ड कंट्री के आगे पीछे डोलने में ही है. पैसा तो वही लोग ज्यादा देती है, तो सर्विसेज किसको ज्यादा मिलेगी, डेवलपिंग को या डेवलप्ड को, तुम बोलो. अफकोर्स सर, अफकोर्स डेवलप्ड को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रोथ सर्विस एंड टेक्नोलॉजीज हैं वो डेवलप्ड नेशंस में बहुत ज़्यादा मुकाबले के होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलती है WTO को. चलिए आगे,
आगे देखिए प्राइस राइज क्या है, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स आर लाइकली टू कॉज ए स्टेप हाइक इन द प्राइसेस ऑफ ड्रग्स एंड एग्रीकल्चरल इनपुट। तो ड्रग्स और एग्रीकल्चरल इनपुट्स का, एग्रीकल्चरल्स का जितने भी खाद ऑब्वियसली जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उसके क्या करते हैं डब्ल्यूटीओ उसके दाम बढ़ा देते हैं। ठीक है, डेंजर टू सर्विसेज सेक्टर, सर्विस सेक्टर के लिए डेंजर है, सर्विस सेक्टर के लिए डब्ल्यूटीओ डेंजर है। आप कैसे डेंजर है पढ़िए, सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज लेस डेवलप्ड देन इन डेवलप्ड कंट्री, मतलब बहुत ज्यादा लेस डेवलप्ड है। हम लोग तो सर्विस सेक्टर को एकदम लास्ट में ही देखते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सबसे पहले देखते हैं। इंक्लूजन ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज वुड बी डिट्रीमेंटल टू इंडियाज इंटरेस्ट। भाई इंक्लूजन ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज वुड बी डिट्रीमेंटल टू इंडियाज इंटरेस्ट, तो वो खराब है इंडिया के लिए। उसके बाद नॉट रियली फ्री ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं रहता सर, उसमें टैरिफ रहती है, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर इज नॉट अलाउड, बहुत सारे खर्चे रहते हैं, फ्री ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं रहता। टैरिफ पीक इन सर्टेन रिमेन्स इन सर्टेन एरियाज, जितने सर्टेन एरियाज है वहां पे टैरिफ तो बहुत ज्यादा हाई लगते हैं सर, तो बिल्कुल फ्री ट्रेड नहीं है। इरोशन ऑफ ऑटोनॉमी मतलब WTO agreements are likely to erode the autonomy of governance in the third world countries. The government of these countries will not have full freedom to formulate the policy and identify the priorities in many areas. मतलब कि गवर्नमेंट का कोई आजादी ही नहीं रहा। WTO के जो जो मेंबर नेशंस है, फैसला अगर WTO कर रही है, इसका मतलब कि गवर्नमेंट को बहुत कम फ्रीडम मिलेंगे कि वो पॉलिसीज को अच्छी तरह से फॉर्मुलेट कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए प्रायोरिटीज को। गवर्नमेंट को तो कुछ काम करने के लिए मिलेगा नहीं ना। ठीक है, तो इरोशन ऑफ ऑटोनॉमी तो बिल्कुल है ना। तो अचीवमेंट एंड फेलियर्स आपको पढ़ रहे हैं, अचीवमेंट एंड फेलियर्स आपको क्या करने हैं घर में पढ़ने हैं, अच्छे से आपको पढ़ने हैं। WTO का इतना ही फुल पैक्ड रिविजन था। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को ऐसे ही फुल फ्लेज्ड रिवीजन के लिए। आज WTO करके बस हो गया, इतना ही था WTO में। अचीवमेंट और फेलियर आपको क्या करना है, घर में अच्छी तरह से पढ़ना है, आपको सब समझ में आ जाएगा, आपको बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग ने एडवांटेज और डिसएडवांटेज बिल्कुल अच्छे से पढ़ा, वही है अचीवमेंट और फेलियर। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़िए और आप लोगों का भी एग्जाम आने वाला है, ध्यान दीजिए अपने आप का और बिल्कुल अच्छे से एग्जाम देना। ठीक है, चलो, और सब के सब रिवीजन कर लेना, सब के सब अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, बाय बाय, शुभ रात्रि।